बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काजमी। नाज़रीन, तारीख से हमने एक सबक ज़रूर सीखा, वो ये कि हमने तारीख से कुछ सीखना नहीं। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था। उस वक्त के जो वज़रा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अगर आप उनकी ज़ुबान और बॉडी लैंग्वेज उठाकर देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनकी ज़ुबान और उनके तर्ज़ अमल ने उस धरने को, जो महदूद वक्त पर ख़त्म हो सकता था, वो मसला हल हो सकता था, उसे 126 दिन तक प्रोलॉन्ग किया। उस वजह से इन लोगों का कहना है कि मईशत को नुकसान हुआ, जमहूरी अमल आगे बढ़ा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज और बहुत सी ऐसी बातें जो उस वक्त की हुकूमत अभी तक कहती है, वो सब कुछ हुआ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में अपने क्राउड के साथ मौजूद हैं। उस पर कुछ लोगों की मुतजाद राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 20,000 है, 50,000 है, या वो 1,00,000 है। इससे कतई नज़र के वो कितनी तादाद में है। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि मौलाना साहब कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। इस धरने से पहले JUI के रहनुमाओं से मेरी अपने प्रोग्राम में जब बात हुई तो उन सब ने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि पूरे रास्ते में किसी इमलाक को, किसी किस्म की ट्रैफिक को, लोगों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और उनकी ये बात सच हुई। धरने के लोगों को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात की मुबारकबाद देनी चाहिए कि जहाँ पर लोग क्राउड इकट्ठे होते हैं उनकी एक खास मैंटेलिटी होती है, जिसे मॉब मैंटेलिटी कहते हैं। ये लोग इमलाक को नुकसान भी पहुँचाते हैं, ये लोग आपकी गाड़ियों को, ट्रैफिक को और तमाम निज़ाम को दरहम बरहम कर सकते हैं, चाहे ये 5,000 हों या चाहे ये 5,00,000 हों। मौलाना साहब ने इस डिसिप्लिन क्राउड को जिस तरह इस्लामाबाद लाकर बिठा दिया और तमाम जमातों को बशमूल बिलावल जरदारी साहब और शहबाज शीसा जिस तरह उनके पीछे खड़े हुए हैं, और मौलाना साहब को जो 12वें खिलाड़ी के तौर पर समझते थे, आज मौलाना साहब को अपना ओपनिंग बैट्समैन तस्लीम कर चुके हैं। मौलाना साहब की सियासत से कतई नज़र आप मौलाना साहब से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस इलाके से उनका ताल्लुक है वहाँ पर शिद्दत पसंदी और शिद्दत पसंद बनना बहुत आसान था। मौलाना साहब ने उन तमाम लोगों को इकट्ठा रखा, अपने अंदाज में सियासत की जिस पर आप बिला तकल्लुफ इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। मौलाना साहब ने उन तमाम कुव्वतों का साथ दिया, उन तमाम इदारों का बशमूल पाक फौज का हमेशा साथ दिया। इसलिए कल जब मौलाना साहब ने इदारों के बारे में बात की, अमन लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अमन के दायरे में रहें, इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं, हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसमें पाक फौज शामिल नहीं। मौलाना साहब का इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ होगा। आज जलसे में जहां ये बातचीत हुई वहां अपोजिशन की लीडरशिप मौजूद थी, फजलुर रहमान साहब खुद भी मौजूद थे। बहुत सीजन सियासतदान हैं, जो बात कहते हैं वो उन्हें मालूम होता है कि वो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछने की है कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं, क्या वो उनका जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है, अदालतों की तरफ है या फौज की तरफ है। जो लोग इस वक्त मीडिया के, धरने के लोगों में, मौलाना फजलुर रहमान साहब में और इदारों में तफरीक पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों को यह पैगाम है कि पाकिस्तान इस वक्त उस नाजुक मरहले पर खड़ा है कि जहाँ हमारी मईशत दिवालिया होने के करीब है। ऐसे में इस तरह के धरने हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। हुकूमती वज़रा को भी अपनी बॉडी लैंग्वेज और ज़ुबान पर लगाम देकर इन लोगों को, जो पाकिस्तानी लोग हैं, मौलाना साहब की डिमांड, उनके मुतालबात अपनी जगह पर, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो जायज़ नहीं, लेकिन आप मौलाना साहब की इज़्ज़त और एहतराम, वो आप सब लोगों पर लाजिम है। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मौलाना साहब को बिठाना भी पड़ेगा। और जिस तरह हर लड़ाई और हर जंग के बाद सुलह होती है, मौलाना साहब तो हमारे अपने हैं, इसलिए हुकूमती वज़रा को ये चाहिए कि फौरन मौलाना साहब के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके तमाम मुतालबात को सुने और कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर ये जो लोग बैठे हुए हैं रास्ते में, इनको हटाएं और पाकिस्तान की मईशत की तरफ बढ़ें। जहां पर मीडिया की एंकर्स को, जिस तरह वो जलसे की कवरेज या धरने की कवरेज करती हैं कि वो गाड़ी में बैठ जाती हैं और उनका स्टाफ बाहर निकलकर लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं, ऐसे में मलीहा हाशमी, पाकिस्तान की एक नौजवान जर्नलिस्ट, जिस अंदाज में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उस धरने में पहुंची, उन लोगों के उन्होंने बयानात कलमबंद किए, उनके कैमरे से महफूज किए वो तमाम और दुनिया को दिखाया। मलीहा हाशमी एक बहादुर खातून की तरह
دنیا میں وہ امیج پیش کر رہی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ہماری خواتین کو میڈیا میں یا اس طرح کے دھرنوں یا جلسوں میں نمائندگی نہیں دی جا سکتی۔ مولانا صاحب نے بھی اس چیز کی اجازت دی اور تمام اب خواتین اینکرز ان جلسوں کو کور کر رہی ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، ان کی صحافتی ذمہ داریاں ہیں اور تمام لوگوں کی حفاظت اور پرامن طریقے سے اپنا جمہوری احتجاج وہ ریکارڈ ضرور کروائیں اور متعلقہ اداروں کے پاس اپنی شکایات رجسٹرڈ کروائیں، اور جن اداروں پر ان کی تنقید نہیں بنتی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ وزیراعظم کے گھر میں جا کر وزیراعظم کو خود گرفتار کرنا، اور صرف میں نے نہیں بلاؤ بٹو نے بھی سن لی ہے، نواز شریف نے بھی سن لی ہے یہ بات، آصف علی زرداری نے بھی سن لی ہے یہ بات، ہم جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ تصادم کی سیاست اور تصادم کا راستہ، ہم کسی صورت پر اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج کے پروگرام میں ہم ملیہ ہاشمی سے بات کریں گے جنہوں نے اس دھرنے کو نہ صرف کور کیا بلکہ وہاں پر لوگوں کے انٹرویوز کیے، بات کی، اور بڑی بہادری اور دلیری سے وہ اس دھرنے میں لوگوں کے ساتھ گھل مل گئیں اور لوگوں نے بھی ان کو بڑی رسپیکٹ اور عزت سے ان کے تمام مشکل سوالات کے جواب دیے۔ ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اچھا ملیہ، یہ بتائیں کل آپ دھرنے میں گئیں، آپ نے وہاں لوگوں سے بات چیت کی، آپ نے اس دھرنے کا جائزہ لیا، اور اس ساری ایکسرسائز کے دوران کہ جبکہ میڈیا کی خواتین اینکرز کے اوپر پچھلے دنوں کچھ پابندی تھی کہ وہ دھرنے میں نہیں جا سکتی، لیکن لوگوں نے آپ کو بڑی عزت و احترام دیا، لیکن آپ کی اوور آل آبزرویشن کیا ہے دھرنے کے بارے میں؟ جی سبھی بہت شکریہ۔ دیکھیے وہاں پر یہ ضرور چیک کر رہے تھے کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا نہیں ہے، ادروائز کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور جن ایک دو خواتین کو انہوں نے روکا بھی تو وہ بہت زیادہ ایشو بنا لیا گیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وریدہ فاروقی بھی گئیں، آسما شرازی صاحبہ بھی گئیں، ان کے علاوہ بھی دیگر فیمل اینکر گئیں جنہوں نے کور کیا، اور مجھے بھی ایز سچ کوئی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی کانٹروورسی زیادہ لگ رہی ہے۔ دھرنے کا ماحول بہت منظم تھا، اس چیز میں ان کو پورا کریڈٹ جانا چاہیے، دھرنے والوں کو بھی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی، کہ کوئی وہاں پہ بھگدڑ نہیں تھی، بہت منظم طریقے سے کارکنان بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ تمام جماعتوں کے لوگ تھے ایکسپٹ فور پی ٹی آئی آف کورس۔ اچھا ملیہ، مولانا صاحب نے اس دھرنے میں، جلسے میں سوری، یہ کہہ دیا کہ 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی دے دیا، خان صاحب کو گھر سے گرفتار کرنے کے بارے میں بھی کہہ دیا، تو اس پہ کراؤڈ کا ریئیکشن اور ان جنرل اس سٹیٹمنٹ کے بعد کا ماحول کیسا تھا؟ دیکھیں بہت شارڈ کراؤڈ ہے، اور اتنے مجمعے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیزن پولیٹیشن ہے، کوئی آج کی تو انہوں نے سیاست شروع نہیں کی، تو اس وقت جبکہ اتنی ینگ جنریشن بھی وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مطلب مدرسوں سے ٹھیک ٹھاک عوام وہ لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ، تو ایسی صورتحال میں مولانا صاحب پر میں سمجھتی ہوں کہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس قسم کے جو جذباتی بیانات ہیں وہ دینے کی بجائے اپنی سیدھی سیدھی ڈیمانڈ سامنے رکھیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کو تھوڑا سا اس میں بٹ باری سے کام لینا پڑے گا اور تھوڑا سوچنا پڑے گا، کیونکہ ان کا ایک ایک لفظ، وہ جو ہزاروں کارکنان اپنے ساتھ لائے ہیں، ان کے اگلے لائن آف ایکشن کو طے کرے گا۔ تو مولانا صاحب ول ہیو ٹو بی ریلی یو نو ریسپانسبل اینڈ سینسیبل ان ہز ورڈ۔ اچھا ملیہ، ہم نے دیکھا کہ بلاول زرداری صاحب ان کے پیچھے کھڑے تھے، مذہبی کارڈ استعمال کرنے پر بلاول نے ایک بڑی صاف اور ایک جامع بات کی تھی، اب وہ کھڑے پیچھے مسکرا رہے تھے، تو کیا ہم سمجھے کہ مولانا صاحب کو اب وہ اپنا روحانی اور سیاسی لیڈر تسلیم کر چکے؟ دیکھیے یہ بس وہی بات ہے کہ مطلب کہ وقت کے ساتھی ہیں یہ، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سب ساتھ ہیں، اگر یہ سب ٹھیک ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ عمران خان تو ایک سال پہلے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پھر یہ کیوں ایک دوسرے کی مخالفت میں سیاست کیا کرتے تھے؟ دیکھیے یہ سب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں سے رابطے میں بھی ہوں جو کہ ان طرح ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو یہ لگتا ہے اپنی ہی لیڈرشپ میں، یہ بڑا ایک اب مزیدار وقت چل رہا ہے کہ ہر جماعت میں ڈفرنٹ کوارٹرز بن چکے ہیں جو کہ آئیڈیولوجیکلی اختلاف کر رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے رہنماؤں کی جو کہ اس سارے دھرنے اور اس سلسلے سے متفق نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ دھرنا ہم آج سے دو سال بعد دیتے، اس حکومت کو تین سال مل جاتے، تو عوام زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی اور ہم بھی کچھ کہنے لائق ہوتے کہ
कि हाँ ठीक है पिछले 40-45 साल में तो जो भी हुआ इमरान खान को 3 साल हम दे चुके हैं उन्होंने क्या किया है। तो अभी भी न सिर्फ अवाम बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी क्यादत की कसीर तादाद है जो खान साहब को ये डिस्काउंट देने को तैयार है कि अभी 1 साल में तब्दीली नहीं आ सकती इसमें जो। अच्छा मलिया, जब आपने धरने में मियां शहबाज शरीफ साहब को ये कहते सुना कि 6 महीने में अगर मैं मईशत को ना तब्दील करूं तो मेरा नाम आप इमरान खान न्याजी रख दें, तो आपके ख्याल में उनके पास ऐसा कौन सा जादू है कि वो 6 महीने में मईशत को चेंज कर सकते हैं जो इमरान खान नहीं कर रहे? अच्छा ये वैसे शहबाज शरीफ साहब की ये बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ही वो एक उनमें बहुत इनोसेंट है इस लिहाज से कि हर कुछ अरसे बाद वो एक दावा करते हैं इस किस्म का कि ये ना हुआ तो 6 माह बाद यानी मेरा नाम बदल दे, ये ना 6 माह में किया तो मेरा नाम बदल दे, और फिर नतीजतन होता यह है कि अवाम वाकई उनका नाम बदलने पे आ जाती है, वाकई उनको बहुत से नाम सजेस्ट करने लग जाती है। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बात इसलिए नहीं मेरा ख्याल है इस वक्त सकती कि मियाँ साहब और उनकी जो हिमायती जमाते हैं इस वक्त वो 40-45 साल की हुक्मरानी के बाद ऑपोजिशन में आकर बैठी है कितनी दिहाइयों के बाद, तो ये तो बात वो शख्स करता हुआ अच्छा लगता है कि उसको कभी मौका ना मिला हो तो वो कहे कि जी मुझे 6 माह दे दीजिए, 1-1.5 साल दे दीजिए और फिर देखिएगा। तो इस चीज में मतलब अवाम ने तो इतना इसको बाय नहीं किया और मैंने जो धरने में भी धरने के शुरुआत से बातचीत की तो उसमें वो शहबाज शरीफ साहब के रेटरिक को इतना सखी नहीं कर रहे थे ना ही वो उसके बारे में इतनी बात कर रहे थे। वजह यह है कि वो कुछ उनमें मजेदार बात यह कि इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ मौलाना साहब की कारकुनान में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक रिजेंटमेंट पाई जा रही है। उनका ख्याल है कि लाहौर में जो मोमेंटम बन सकता था जिस तरीके से नून लीग के कारकुनान शिरकत कर सकते थे वैसे नून लीग की इवन सेकेंड या थर्ड ईयर लीडरशिप भी हमारे साथ नहीं चली, तो हमें धोखा दिया गया है। अच्छा मलिया, ये बताएं कि आने वाले जो 24 to 48 आवर्स हैं उसमें आपको क्या लगता है कि ये धरना क्या मोड इख्तियार कर सकता है और ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है इसका एंड क्या होगा? देखिए बात ये है कि इस वक्त वही मैं जैसे पहले भी आपको कह रही थी कि मौलाना साहब एक बहुत ही जिम्मेदार सियासतदान है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने भी लोग असेंबली में बैठे हैं असेंबली से बाहर हैं सीजन पॉलिटिशियन उसमें अगर पहले टॉप 10 सियासतदानों का नाम लिया जाए तो उसमें मौलाना साहब का यकीनन नाम शामिल करना होगा आपको कि वो बहरहाल उनका एक ठीक ठाक वोट बैंक है। तो इस वक्त मौलाना साहब को ऐसा अल्टीमेटम वैसे देने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अब हुआ क्या कि मौलाना साहब जिस किस्म की चार्ज गुफ्तगू कर रहे हैं एक सुपर चार्ज क्राउड को सामने रखकर और वो बैन अवी ही पता कर दी जो ऑडियंस है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, गैर मुल्की ताकतों को भी वो कोई पैगाम देना चाह रहे हो जैसे मुबम अल्फाज में, तो वही हुकूमत की भी तैयारियां मुकम्मल है। जो मेरी हुकूमती जराये से भी बात हुई जो मेरी इस्लामाबाद की लोकल इंतजामिया से भी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि उनकी भी तैयारी मुकम्मल है और अगर मौलाना साहब और उनके क्राउड कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं 2 दिन के बाद तो फिर स्टेट की तरफ से भी एक जो है इसको आड़े हाथों इस चीज को लिया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने मलिया की बातें सुनी, वो वहाँ जलसे को कवर कर थी, ग्राउंड पर सिचुएशन और स्टूडियो में सिचुएशन हमेशा मुख्तलिफ होती है, अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचों पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इसी तरह सोशल मीडिया पर बैठे हुए तमाम लोगों पर भी और मीडिया के जो मेन स्ट्रीम पर लोग हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने लोगों को जोड़े रखना है क्योंकि जो लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और जो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है वो भी पाकिस्तानी है, तो इन दोनों को इकट्ठे मिलाकर दरमियानी रास्ता निकालकर जमहूरियत को आगे बढ़ना है। हमारे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनमें मईशत नंबर 1 है, हमें उन पर फोकस करना है, मौलाना साहब को कोई ना कोई रोल देकर शायद साथ मिला लें, इसी में ही जमहूरियत का सफ़र चलता रहेगा तो सबकी बेहतरी है। सभी काजमी को अपनी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।